मैं हाँ सुखनाम सिंह, मेरे नाम है राजा कोटली। अज खास मुलाकात कर जा रहे राम कुमार व्यास जी, विरसा संभाल मंच के संस्थापक प्रांत संयोजक। इन्हों गल करते हाँ, इन्होंने इतने मोर्चा लाया है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आओ इन्हों पुछते हाँ कि की कहना चाहते हैं। पहला तो आपका इंडिया प्राइम न्यूज़ से स्वागत है। बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। वक्फ बोर्ड और पिछले महीने तो एक खबर आई थी अखबार दे विच कि वक्फ बोर्ड ने 3 to 3,500 प्रॉपर्टी ते इत्थे दावा किया। उस तो बाद विरसा संभाल मंच के कार्यकर्ता अमृतसर आ गए और वो जड़ी कॉलोनियां है उत्थे असी गए तो उन्हां दा पीड़ितां दा असी दर्द सारा सुनिया। और 21 दिसंबर नू भी सारी फरूकी साहब और सारी टीम वो आए। उदे विच विरसा संभाल मंच दे अपने डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने उत्थे आवाज़ उठाई कि अपनी मालकियत दिखाई जाए, उस तो बाद असी विचार करांगे भी किराया देवांगे। लेकिन किराया देन दा सवाल तो तां होएगा जे वक्फ बोर्ड अपनी मालकियत दिखाएगा। और आज वक्फ बोर्ड है अमृतसर दी गुरु रामदास जी दी धरती दे उत्ते अनेक कॉलोनियां दे विच जाके एक भय एक खोप इस प्रकार का समाज विच वातावरण बनाया हुआ है। उहदा खाली ध्येय है कि भई मैं किराया लेके मैं इहदा मालक जमीना का बन जावा। विरसा संभाल मंच तो जो ये गल्लां सारी ध्यान च आई तो विरसा संभाल मंच ने एक गल कहना है कि जो 47 दे वंड दे समय वो अपना हिस्सा सारा कुछ ले गए, उहदे विच अपने धार्मिक संस्थान है, मदरसे है और मजारा है और अपने रिहायशी है, मस्जिदों की जमीन है और अन्य शिक्षण संस्थान सारी जमीन का वो ले गए। तो आज वक्फ बोर्ड नाम क्यों, वक्फ बोर्ड का अधिकार क्यों? इस प्रकार एक सोचने वाली सारे समाज लिए गल है। जो कोई व्यक्ति अपना हिस्सा ले गया तो आज किस गल का हिस्सा? और पंजाब की धरती मुस्लिम विहीन हो गई 47 वेले, तो आज वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड ना एक 1995 इस प्रकार का कानून उस समय की ब्रिटिश सरकार ने बनाया कि जिथे वक्फ बोर्ड अपने हाथ रख देता है वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। और जो ओनू पता ही नहीं लगता जिथे उस संपत्ति के मालिक न कोई ऑर्डर ओनू मिलता नहीं है तो वह चैलेंज भी नहीं कर सकता। और इन्हों आपका ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल के अंदर ही ओनू अपील करनी पैंदी है। ट्रिब्यूनल के अंदर सारे ही लोग ये लोग बैठे ने 90% लोग जिते कि आज तक कोई भी फैसला समाज के हित के नहीं किया। यह पीड़िता लई और जड़े भी वक्फ बोर्ड के पीड़िता लई एक होर अन्याय है। और वक्फ बोर्ड का इको एक मकसद है कि इस देश में एक इस्लामीकरण करने का एक होर षड्यंत्र है। और असी विरसा संभाल मंच ने एक मंच बनाया है सारे अमृतसर नू पीड़िता नू इकट्ठा करने वास्ते कि वक्फ पीड़ित संघर्ष मोर्चा जिदे उत्ते 29 जनवरी 11:30 एक धर्म सभा होएगी जो उत्ते संत समाज नेतृत्व करेगा और संघर्ष मोर्चे की असी घोषणा करेंगे। और अगे जिवें जिवें पीड़िता दे नाल कोई भी अन्याय होएगा और वक्फ पीड़ित संघर्ष मोर्चा उन्होंने नाल मोढ़े ते मोढ़े लगा के इस संघर्ष दे विच उन्होंने नाल खड़ा होएगा। असी किसे दे नाल अन्याय नहीं होने देवांगे और यह भारत देश साडा है और इत्थे किसे दा भी जमीन का अधिकार वक्फ बोर्ड का असी नहीं होने देवांगे। वो सारा हिस्सा वो लेके जा चुके ने और आज साडे नाल अन्याय है उन्हें बिल्कुल सहन नहीं करांगे। तुसी कोई पंजाब सरकार नू मैसेज देना चाहुंदे इस पर? पंजाब सरकार नू क्योंकि असी लोग पंजाब दे विच बैठे हाँ तो पंजाब सरकार नू भी वक्फ बोर्ड के जिहड़े अधिकारियों नाल गल करनी चाहीदी। और वक्फ बोर्ड जो भी कोई इस प्रकार की संपत्ति घोषित करता है तो प्रशासन है वक्फ बोर्ड का जो 1995 का कानून बनया है उसके नाल उन्होंने ऑर्डर का फॉलो करना है। मेरी इतने प्रशासन में भी अपील है कि तुसी वक्फ बोर्ड की पिछले सालों की मालकियत तो देखी जाए कि वो मालिक है कि नहीं है। एक भय है कि वक्फ बोर्ड ने और अपना दबदबा बना के किराया शुरू करके और अपना मालिक बनना और ऐसा लग रहा है कि इस भारत नू और अपने जड़े लोग है पंजाब के लोग है उन्होंने लैंडलेस करने की एक होर षड्यंत्र की इस प्रकार की चाल है जिदा असी इस संघर्ष मोर्चे के थले मुंह तोड़ असी जवाब देवांगे।